अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टार्स विद एज के। आज का हमारा जो सेशन है वो हमारी स्पीच थेरेपी सीरीज का 8th सेशन है, यानी 8वां सेशन है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग स्पीच थेरेपी, एड्रेसिंग पेरेंट्स मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस। यानी पेरेंट्स को जो स्पीच थेरेपीज को लेकर कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं, उनमें से हम चंद को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप हमारे जो पिछले सेशंस हैं उनको देखने में इंटरेस्टेड हैं, जो हम 7 सेशन पहले कवर कर चुके हैं, तो आप हमारी जो स्पीच थेरेपी सीरीज है हमारे यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे उनको देख सकते हैं। आई होप कि वो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल साबित होंगे। हम फ्यूचर में भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस और सेशंस आपके लिए लाते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि आप तक लेटेस्ट कंटेंट की इंफॉर्मेशन टाइमली पहुंच सके और अपने आसपास दीगर पेरेंट्स तक इस इंफॉर्मेशन को जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका शेयर किसी के काम आ सके। आज के इस सेशन की तरफ चलते हैं, और आज के सेशन में हमें कराची से एक बार फिर ज्वाइन किया है सदफ इमरान ने, जो कि स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं। थैंक यू वेरी मच सदफ के आपने इस सेशन के लिए और इन क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए टाइम निकाला। थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन। थैंक यू मायो कामरान साहब, आपने मुझे आज अपने शो में इनवाइट किया वंस अगेन। राइट, तो सदफ, हम इससे पहले कि हम टॉपिक की तरफ आए, मैं चाहूंगा कि हमने आपका बहुत मुख्तसर सा तारुफ पेश किया है, 1 लाइनर। तो मैं चाहूंगा कि कुछ लोग आपको जानते हैं और जो नहीं जानते, उनके जानने के लिए अगर आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें, योर एजुकेशन बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस वगैरह का, उनको भी आसानी होगी। ओके, आई एम स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट और मैंने मास्टर्स किया है कराची यूनिवर्सिटी से स्पीच लैंग्वेज में। और मेरे वर्किंग एक्सपीरियंस ओवरऑल 5 इयर्स है। स्पीच के अंदर मुझे 4 इयर्स हो गए हैं वर्क करते हुए, और मैं अपने क्लिनिकल सेटअप पे भी काम कर रही हूँ जो कि स्पीच वेलनेस क्लिनिक के नाम से है। गुज़िश्ता 4 इयर्स से मैं यहाँ पे वर्क कर रही हूँ, अपने ही सेटअप पे मैं खुद ही हैंडल कर रही होती हूँ असिस्टेंट्स भी और सेशंस भी। और उसके अलावा मैं डिफरेंट प्लेसेस पे भी सिटिंग कर रही होती हूँ, वहाँ पे भी लोग मुझसे कोऑर्डिनेट करते हैं एज अ स्पीच थेरेपिस्ट। राइट, और हम भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर वगैरह मेंशन कर देंगे, सो दैट अगर कोई डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहे तो वो कर सकता है। ओके जी, तो हम सेशन की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि स्पीच थेरेपी क्या है, और एक बच्चे को या एक इंडिविजुअल को कब स्पीच थेरेपी कराने की जरूरत पड़ सकती है। अच्छा, अगर स्पीच थेरेपी की हम बात करते हैं तो स्पीच थेरेपी एक बहुत बड़ा डोमेन है, और इसके अंदर होता यह है कि बच्चा जब आपको लगे कि वो अपनी एज के अकॉर्डिंग बोल नहीं रहा या उसके वर्ड्स उतने नहीं है जितने होने चाहिए दूसरे बच्चों के मुकाबले में, या वो क्लियर नहीं बोल रहा, उसको अपनी नीड्स के लिए बात करने में प्रॉब्लम हो रही है, पॉइंटिंग कर रहा है या साइन लैंग्वेज यूज कर रहा है, तो उसको उसी वक्त स्पीच थेरेपी की जरूरत महसूस होती है। और इसको कब करवाना चाहिए? जब आपको लगे कि आपके एज के अकॉर्डिंग के बच्चे उससे ज्यादा बात कर रहे हैं और वो उस तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, तो पेरेंट्स को उसी वक्त चाहिए कि वो स्पीच थेरेपी की तरफ आए और कोई अच्छे स्पीच थेरेपिस्ट से कंसल्ट करें, उनकी राय लें, ताकि उनको सही टाइम पे बच्चे की थेरेपीज स्टार्ट करने का प्रोसीजर पता चले और वो आगे मजीद जो है इस पे काम कर सके। राइट, तो आपने स्पीच थेरेपी का नाम लिया, तो हम ये पूछना चाहेंगे कि स्पीच थेरेपी कैसे होती है, क्या काम करते हैं आप स्पीच थेरेपी में, और इसका कोई फायदा वगैरह भी होता है लोगों को कि नहीं। देखिए, स्पीच थेरेपी एक बहुत इम्पोर्टेंट डोमेन है। स्पीच थेरेपी के अंदर अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो ये समझते हैं कि स्पीच थेरेपी करवाने का कोई फायदा नहीं है और बच्चा वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता खुद ही बोलना शुरू कर देगा। अभी भी लोगों के अंदर इस तरह की अवेयरनेस की नीड है। तो स्पीच थेरेपी के बारे में अगर मैं आपको ये बताऊं तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इसमें ग्रेजुअली वर्क होता है, बहुत स्लो प्रोसेस है ये,
अगर एक बच्चा हमारे पास बिल्कुल स्पीच डिले आया है, लाइक वो बोल ही नहीं रहा, सेलेक्टेड उसके साउंड्स हैं और वो कुछ भी वर्ड्स अभी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, और उसकी एज है जस्ट फॉर एग्जाम्पल 3 ईयर्स, तो 3 ईयर्स का बच्चा काफी सारी चीजें बोल लेता है नॉर्मली। बट अगर हमारे पास एक बच्चा आया है जो कि वो सेलेक्टेड कुछ साउंड्स निकाल रहा है, मम दे दो, बाबा, बस जस्ट उसके 2-3 वर्ड्स हैं रूटीन में और उसके अलावा उसे कुछ नहीं बोलना आ रहा, उसके पास वोकैबुलरी नहीं है, तो स्पीच थेरेपिस्ट जो है यहाँ पे अपना काम शुरू करेगा डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज के थ्रू, जिसमें वो समटाइम उसे मसाजेस की तरफ भी जाना पड़ता है, समटाइम उनको ओरोमोटो की साइड पे भी जाना पड़ता है, बच्चे की ओरोमोटो एक्सरसाइजेस स्टार्ट करानी पड़ती है इनिशियली स्टेप से। तो इसको स्टार्ट करने से पहले बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स को अवेयर किया जाए, उन्हें बताया जाए कि जब हम स्पीच थेरेपी के लिए आए हैं तो ऐसा नहीं है कि ये थेरेपी स्टार्ट करते ही बच्चा वेरी नेक्स्ट डे बोलना शुरू हो जाएगा। बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता, सबसे मेन चीज है कि अगर बच्चा सिटिंग नहीं दे रहा, सिटिंग नहीं दे रहा तो हमें उसको पहले सिटिंग पे लाना है, टेबल सिटिंग पे लाना है, उसको 101 पे लाना है, उसके बाद उसके साथ आपने हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन बिल्डअप करना है ताकि बच्चा आपकी तरफ मुतवज्जा हो। फिर उसके बाद जब बच्चे के साथ आपकी पेयरिंग हो जाएगी अच्छी और बच्चा आपके साथ एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो जाएगा, देन आप अपना वर्क एज ए स्पीच थेरेपिस्ट स्टार्ट करते हैं। और उसके अंदर आप पेरेंट्स को पहले से, मैं अपने पेरेंट्स को जब भी मेरे पास आते हैं असेसमेंट के लिए, मैं उनको पहले से अवेयर कर देती हूँ कि आपको ये माइंड मेकअप करके आना होगा कि ये बहुत स्लो प्रोसेस है, आराम आराम से, इसके अंदर स्लोली ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट्स आती हैं, इसकी कुछ चीजें ऐसी हैं कि आपको रेगुलर रहना है, आपको घर पे फॉलोअप्स करने हैं, आपको जो होम प्लान्स दिया जाए उनको घर पे फॉलो करना है, देन बच्चा यहाँ रेगुलर आएगा, उसके बाद उसकी आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट स्टार्ट होगी। अब समटाइम कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो ये बात अंडरस्टैंड कर जाते हैं, जो वाकई में विलिंग होते हैं और जिन्हें लगता है कि हमें स्पीच कराने से हमारा बच्चा बोल देगा, तो वो इससे इससे कनेक्ट हो जाते हैं और उनके आउटकम्स भी आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके साथ आउटकम्स आए, जिनके साथ काम किया गया। अब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि वो खुद ही नहीं इंटरेस्ट शो कर रहे या पेरेंट्स ही नहीं शो कर रहे और सिर्फ थेरेपिस्ट काम कर रहा है, तो उसमें हमें रिजल्ट नहीं नजर आएगा, उसमें हमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी, उसमें बार बार हमें पेरेंट्स को गाइड करना पड़ेगा कि आपने लाजमी ये काम घर पे भी करना है बच्चे के साथ। तो ये एक स्लो प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप होता है, इसके अंदर इनिशियली प्रेयरिंग होती है, फिर हम मसाजेस की साइड पे जाते हैं, ओरोमोटो की साइड पे जाते हैं, फिर हम अपने गोल्स बनाते हैं बच्चों की के क्या उसको इनिशियली स्टेप में क्या टास्क है उसके और हमें क्या अचीव करने हैं, उस प्रोसेस को लेके हम चलते हैं। समटाइम ये थेरेपी 1 ईयर पे भी जाती है, समटाइम ये थेरेपी 6 मंथ पे भी कंप्लीट हो जाती है, समटाइम ये थेरेपी 2-3 ईयर्स पे भी जारी होती है, डिपेंड करता है कि हमारे पास क्या डायग्नोसिस है और कौन से इश्यू के साथ बच्चा आया है। कोक्लियर इम्प्लांट भी हो सकते हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड भी हो सकते हैं, डाउन सिंड्रोम भी हो सकते हैं, ऑटिज्म हो सकते हैं, सिंपल स्पीच डिले हो सकते हैं, तो हर चीज हर डायग्नोसिस के ऊपर डिपेंड कर रही होती है कि ये कितनी टाइम टेकिंग थेरेपीज है। तो अभी भी बहुत से पेरेंट्स ऐसे आते हैं जो ज्वाइंट फैमिली से होते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे तो इन लॉस कह रहे हैं कि कोई जरूरत नहीं है आपको थेरेपी कराने की, बच्चा एज के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू कर देगा। तो मैं उनको पेरेंट्स को कहती हूँ कि देखिए इट्स अप टू यू, बच्चा आप ही का है, आपको खुद डिसीजन लेना है, इन लॉज कह रहे हैं या रिलेटिव्स कह रहे हैं वो एक अलग बात है, बट डिसीजन मेकर आप हो, आप पेरेंट्स हो, तो आपको खुद देखना है कि बच्चे को माशरे में अगर लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है, उसको एक नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी गुजारनी है, तो उसका सबसे पहला टास्क ही उसको कम्युनिकेशन है, उसको बोलना आना चाहिए, हर जगह बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपकी वो कोई सी भी लैंग्वेज हो, चाहे वो उर्दू हो, इंग्लिश हो, या जो भी आपकी इलाकाई जबानें हैं वो, तो ये एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है और जिसको पेरेंट्स को समझना पड़ेगा ताकि वो अपने बच्चे को इस इश्यूज में से निकाल पाए। अच्छा, ये बताइए कि स्पीच थेरेपी स्टार्ट हुई और बच्चे की स्पीच आनी शुरू हो गई, तो क्या उसको बस खत्म हो गया काम, या आगे स्पीच सिर्फ आई है
तो क्या उसको आगे चलाना चाहिए, और आगे चलाना चाहिए तो आगे क्या करेंगे? जी, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के जरिए ये बात बताना चाहूंगी पेरेंट्स को कि ऐसा हरगिज नहीं है कि बच्चे की स्पीच आई और बच्चे ने 1 2 2 वर्ड पिक कर लिए और उसने ब्लेंड करना शुरू कर दिए। अब अगर वो बच्चा 1 2 वर्ड पिक करके ब्लेंड कर रहा है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि बच्चे की स्पीच अब आ गई और बच्चा कंप्लीट कन्वर्सेशन पे आ गया है। अभी बहुत लंबा प्रोसेस बाकी है, बच्चे को ग्रामर की साइड पे भी आना है, बच्चे को क्वेश्चन आंसर्स को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। अगर एक बच्चा स्कूल में जा रहा है, क्योंकि स्पीच कराने का मेन मकसद यही होता है पेरेंट्स का कि अब हमारा बच्चा स्पीच के बाद उसका नेक्स्ट स्टेप है स्कूलिंग। नॉर्मली बच्चे पेरेंट्स इसीलिए स्पीच स्टार्ट करवा रहे होते हैं कि हमारा बच्चा बोलना शुरू करे और देन वो स्कूल में चला जाए। तो जब अगर बच्चे की स्पीच आ गई है तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को थेरेपिस्ट के साथ कंसल्ट करना चाहिए कि थेरेपिस्ट उन्हें क्या गाइड कर रहा है। अभी अगर बच्चा 2 वर्ड्स पे आ गया या वो 3 वर्ड सेंटेंस बना भी रहा है तो आया वो इस काबिल हो गया है कि वो स्कूल जा सकता है? आगे वो स्कूल में अपने फेलोज के साथ या टीचर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, उनके क्वेश्चन आंसर्स को समझ सकता है, उनके साथ कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। ये सारे एरियाज को देखना बहुत जरूरी है स्पीच आने के बाद, कि बच्चा ग्रामर को अंडरस्टैंड कर रहा है, क्वेश्चन आंसर्स को अंडरस्टैंड कर रहा है, बच्चा कन्वर्सेशन की तरफ आ रहा है, बच्चे के साथ जो क्वेश्चन किया जा रहा है उसी से रेलेवेंट आंसर कर रहा है। और एक और चीज मैं अहम बताऊंगी कि समटाइम स्पीच आने के बाद ऐसा भी होता है जो कि पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि बस स्पीच आ गई, हमारा काम हो गया और उन्होंने स्कूल में करा दिया और उन्होंने क्विट कर दी स्पीच, तो वो दोबारा वापस आते हैं, उनके बच्चों में साउंड एरर्स आ जाते हैं, उनकी क्लियरिटी के इश्यूज आ जाते हैं, तुतलाहट आ जाती है, हकलाहट आ जाती है, वो क्लियर नहीं बोल पा रहे होते। स्कूल में फिर वापस कंप्लेन आती है कि आपका बच्चे के साउंड एरर है, इसकी स्पीच क्लियर नहीं है, काइंडली इसको इसको स्पीच थेरेपी करवाएं। तो वहां पे फिर पेरेंट्स को दोबारा बैक होना पड़ता है क्योंकि वो इस बात को उस वक्त समझ ही नहीं रहे होते हैं, उनको ये लगता है कि बस हमारा बच्चा बोल दिया और अब काम स्टार्ट हो गया है तो बस अब इनफ है ना। तो यहाँ पे पेरेंट्स को समझना होगा कि जब तक आपको एक स्पीच थेरेपिस्ट गो हेड नहीं दे रहा उस वक्त तक आप उसके पास से क्विट ना करें, वो आपको कंफर्म करेगा कि अब बच्चा आपका एलिजिबल है कि वो स्कूल जा सकता है और वो वहां जाके सिटिंग कर सकता है और वो सारी चीजों के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, तो आप यू कैन गो, आप जा सकते हैं उस वक्त। अच्छा, एक सवाल और जो पेरेंट्स अक्सर फॉरम से पूछ रहे होते हैं कि स्पीच आ गई तो अब स्पीच थेरेपिस्ट कह रहे हैं कि लैंग्वेज डेवलप करनी है इसकी, तो हम ये पूछना चाहेंगे कि स्पीच और लैंग्वेज में क्या फर्क है, एक तो ये बता दीजिएगा, और दूसरा फिर लैंग्वेज को कैसे डेवलप करें। अच्छा, होता ये है कि अब बच्चे की स्पीच आ गई है, अब बच्चे को लैंग्वेज पे काम करना है, तो लैंग्वेज का जो एरिया है वो काफी लंबा है, उसके अंदर हम ग्रामर पे जा रहे हैं, बच्चे के साथ हमने प्रीपोजिशंस पे काम करना है, बच्चे को सेंटेंस को बनाना आना चाहिए, अब कहाँ पे उसको प्रीपोजिशंस यूज करनी है, कहाँ ग्रामर यूज करनी है, कहाँ सेंटेंस स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए सेंटेंस का, वो लैंग्वेज के अंदर आ गया हमारे। अब बच्चे के साथ हम लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं, लैंग्वेज के अंदर एक और चीज आती है कि फंक्शनल लैंग्वेज, जैसे कि अगर हमने एक बच्चे से पूछ बच्चे को हमने फॉर एग्जाम्पल हमने एक बच्चे को पानी का गिलास दिया है, उसके रिप्लाई में बच्चे का एक आंसर होना चाहिए थैंक यू या जजाक अल्लाह, बट अगर वो बच्चा कुछ भी नहीं बोल रहा और उसने कोई और अपनी मर्जी से वर्ड बोल दिया है या कोई और जुमला बोल दिया है, तो डेट मीन्स कि वो फंक्शनली रिप्लाई नहीं कर रहा आपको। यानी अब मैं अगर आपसे बात कर रही हूँ और मैं आपसे बात करके आपके जवाब का जो रिप्लाई का वेट करूंगी तो वो मेरी फंक्शनल होगी, यानी कि वो आप फंक्शनली मुझे रिप्लाई दे रहे होंगे, रेलेवेंट टॉक हो रही होगी हमारी। अब जो हमारे पास जैसे कि ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनके साथ समटाइम ये इशू आता है कि अगर हमने एक ऑटिस्टिक बच्चे के साथ काम किया उनकी स्पीच आ गई, वो वर्बल हो गए, उनकी लैंग्वेज पे काम करना है, अब वो समटाइम उनको लैंग्वेज में यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि वो इकोलेलिया की तरफ चले जाते हैं, वो रिपीटेशंस पे आ जाते हैं। अगर हमने एक बच्चे से बोला है
कि बेटा से अस्सलाम वालेकुम, तो बच्चा भी बोलेगा से अस्सलाम वालेकुम, जबकि उसको से नहीं बोलना था, उसको सिर्फ अस्सलाम वालेकुम बोलना था, और आगे से उसको रिप्लाई में कोई और बोलता जो उसके साथ था वो वालेकुम अस्सलाम। तो ये हमारी फंक्शनल है, यानी कि हमने सलाम के जवाब में वालेकुम अस्सलाम दिया, ना कि हमने वही बात रिपीट कर दी। तो ये लैंग्वेज के एरियाज हैं हमारे, तो हमें ये समझना होगा कि लैंग्वेज को किस तरीके से लेके चलना है, उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें किस तरीके का क्वेश्चन हमारा बना है, और उसी से रेलेवेंट हम कैसे आंसर दे रहे हैं। और इसकी डेवलपमेंट पे अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर यही है कि फंक्शनल लैंग्वेज है, कम्युनिकेशंस हैं आपके, आप कन्वर्सेशन करते हैं एक दूसरे के साथ, आपके कन्वर्सेशनल सेशंस होते हैं, आप ग्रुप सेशंस करते हैं बच्चों के साथ, उसमें आप 2 से 3 बच्चे होंगे, आप उनको बिठाएंगे, उनके सामने आप एक ऑप्शन है या आपका कोई एक सब्जेक्ट होगा कि आपने आज इस टॉपिक पे बात करनी है, तो क्वेश्चंस देन उसके आंसर, देन क्वेश्चंस देन आंसर, ये हमारी लैंग्वेज डेवलप होना शुरू हो जाएगी, ये हमारी डेवलपमेंट पे काम हो रहा है। राइट राइट। अच्छा, फंक्शनल पे बात हुई तो एक और क्वेश्चन जो पेरेंट्स के जहन में अक्सर आता है या ग्रुप में पूछा भी जा रहा होता है जो नए पेरेंट्स होते हैं, सर ये रिसेप्टिव लैंग्वेज क्या है और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज क्या है, इसके बारे में भी हमारे डाउट्स क्लियर कीजिए कि ये रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज ये हैं क्या। अच्छा देखिए, रिसेप्टिव लैंग्वेज एक्चुअली ये है कि इसे को हमने कोई कमांड दी, लाइक कि मैंने एक बच्चे के सामने रखा फ्रूट ऑरेंज बनाना एंड मैंगो, 4 चीजें मैंने उसके सामने रखी हैं, और मैं उस बच्चे से कह रही हूँ कि प्लीज गिव मी द मैंगो, और बच्चे ने मेरी कमांड ली और मुझे उसने मैंगो ही दिया। दैट इज रिसेप्टिव, ये रिसेप्टिव है, ना कि अगर मैं उससे कह रही हूँ ये चारों ही चीजें रखी हैं और मैं उससे कह रही हूँ गिव मी द मैंगो और वो मुझे बनाना दे रहा है, इट मींस के बच्चा हमारी कमांड फॉलो नहीं कर रहा, उसकी रिसेप्टिव लैंग्वेज डेवलप ही नहीं हुई है, वो हमारी कमांड को अभी लेके हमें उसके अगेंस्ट फॉलो नहीं कर रहा है, कमांड्स को फॉलो नहीं कर रहा, तो उसकी रिसेप्टिव है ये, कि रिसेप्टिव यहाँ पे हमने काम करना है। जब हम लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं तो हम रिसेप्टिव पे काम कर रहे हैं। रिसेप्टिव लैंग्वेज ये है कि बच्चा को हमने कमांड दी, बच्चे ने हमारी कमांड फॉलो की, इट मींस के बच्चे की रिसेप्टिव स्टार्ट हो गई है। अब वो किसी भी तरह की कमांड्स हो सकती हैं, घर के अंदर कोई भी कमांड्स हो सकती हैं, कि फॉर एग्जाम्पल बेटा ये गिलास वहां रख दो, बच्चे ने जाके वो गिलास वहां रख दिया, बट उसमें उसकी कोई लैंग्वेज नहीं है, बट बॉडी उसकी वही काम कर रही है जो हमने उसे दिया है, तो उसकी रिसेप्टिव है। एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेसिव को अगर हम डिफाइन करें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है एज ए स्पीच थेरेपिस्ट। मैं आपको ये बोलूंगी कि स्पीच थेरेपिस्ट के पास ये बहुत ही मेन टारगेट होता है कि उसे एक्सप्रेसिव पे काम करना है बच्चे की। एक बच्चा स्कूल गया है, हमारे नॉर्मली बच्चे स्कूल जाते हैं, अब वो स्कूल गए, स्कूल से आए, उन्होंने आके सारी बात एक्सप्रेस कर दी कि आज सारा दिन सुबह ये हुआ, मामा ने एक सिर्फ जस्ट मामा ने क्वेश्चन किया कि बेटा आज स्कूल में क्या हुआ, अब बच्चे ने सारी चीज एक्सप्रेस कर दी, उसने बता दिया कि आज ये हुआ, ये एक नॉर्मल बच्चे की कन्वर्सेशन। बट अगर एक हमारा ऑटिस्टिक बच्चा है, वो स्कूल गया है, हम उससे ये क्वेश्चन करेंगे कि बेटा आज आपके स्कूल में आज क्या हुआ, आज आपने क्या किया, तो वो बहुत सारी चीजों में उलझेगा, कुछ बताएगा कुछ नहीं बताएगा, कुछ रेलेवेंट बताएगा, कुछ कोई पुरानी बात बता देगा, कुछ अभी की बता देगा, कुछ उसके पास वोकैबुलरी होगी तो बता देगा, कुछ नहीं बता पाएगा। तो हमारा असल में काम ही यही होता है स्पीच थेरेपिस्ट का कि बच्चे की एक्सप्रेसिव को डेवलप करना, ताकि बच्चा अपनी चीजों के लिए बोले, खुद से बताए। वो बहुत सारे पेरेंट्स को इश्यूज आते हैं, ऑटिस्टिक बच्चे स्कूल जाते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि वो नॉर्मली बच्चों के साथ बैठे हैं, किसी ने उन्हें बुली कर दिया, किसी ने उनको पुश कर दिया, अब बच्चा वो बात बता ही नहीं पा रहा है कि आके घर में कि उसके साथ स्कूल में हुआ क्या था, तो उसके लिए फिर वो पेरेंट जो है बहुत वरीड रह रहे होते हैं। समटाइम वो रिसोर्स टीचर साथ कर देते हैं ताकि वो बच्चे को, साथ एक शेडो टीचर हो और वो उनके बच्चे को देखे। तो ये वाली चीज के लिए हमें एक्सप्रेसिव पे काम करना है कि बच्चा अपनी जरूरत के लिए या अपनी नीड के लिए वो एक्सप्रेस करे, वो बोले, अगर उसे पानी चाहिए तो वो बोले प्लीज गिव मी अ वाटर, वो बोले।
या अगर उसको स्कूल में कोई प्रॉब्लम आई है तो वो उसको एक्सप्रेस करे, या वो कहीं भी वॉट एवर कहीं भी जा रहा है तो वहां से आके अपने फैमिली में अपने पेरेंट्स को वो बात बताने के काबिल हो, ये एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। राइट राइट ओके। वन लास्ट क्वेश्चन जो हो सकता है पेरेंट्स के जहन में भी आता है कि स्पीच थेरेपी हो रही है, स्पीच आई लैंग्वेज पे भी डेवलपमेंट हुई, कहाँ तक इसको लेके जाना है, स्पीच थेरेपी कब खत्म करनी है, और आखिरी जो प्रोसेस है या आखिरी अमल जो है स्पीच थेरेपी का क्या हो सकता है या क्या होता है? जी, आखिरी जो प्रोसेस है या आखिरी अमल हम उसको ये कहेंगे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आपके बच्चे में आ गई, यानी आप उसको पुश नहीं कर रहे, वो खुद ही से कम्युनिकेट कर रहा है। अब नॉर्मली बच्चे जब आपसे कोई बात करना चाहते हैं तो वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, आपको मुखातिब करते हैं, आपसे बात करते हैं, तो उनकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है और वो हर एज ग्रुप के साथ कम्युनिकेट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ऐसे ही होता है कि अब कोई बुजुर्ग हैं, दादी हैं, घर में आई हैं, अब छोटा बच्चा है, सम टाइम बच्चे नहीं बात कर पा रहे होते कि एज इतना डिफरेंस है, बट अगर वो बच्चा कम्युनिकेशन करने के लिए तैयार है, आमादा है, तो वो उनसे भी बात करेगा, दादी से, या अगर वो उसके ही एज ग्रुप के लोग हैं तो वो उनके साथ भी कम्युनिकेट करेगा, वो अपने पेरेंट्स के साथ भी करेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी करेगा, यानी कि अब उसकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई है, वो हर तरह के हर टॉपिक पे हर जगह पे एनवायरनमेंट में बात करने के लिए राजी है, उसको कोई हेजिटेशन नहीं है, उसको कोई सोशल सोशली प्रॉब्लम्स नहीं आ रही, वो सोशली इंटरेक्ट करने के लिए तैयार हो गया हर जगह, दैट इज कम्युनिकेशन। और वो कम्युनिकेशन में सबके साथ जब कर रहा है तो वो कम्युनिकेशन बिल्कुल रेलेवेंट है, यानी कि जो बात हो रही है वो सही हो रही है, तो ये हमारी कम्युनिकेशन है। और ये हमारा लास्ट स्टेप होता है कि बच्चा अब ओके है, अब वो हर तरीके से सारी चीजों को उसने स्पीच के अंदर जो आया था हर उसने टास्क को अचीव कर लिया है, अब वो कम्युनिकेशन में आ गया है, वो सोशली भी बात करने के लिए तैयार है, पब्लिक के अंदर भी बात करने के लिए तैयार है, वो एक इंडिपेंडेंट बच्चा बन गया है कि उसे कहीं पे ऐसा नहीं है कि उसको कोई सपोर्ट करे, चाहे वो पार्शली करे, चाहे फिजिकली करे, या मतलब वो इंडिपेंडेंट एक बच्चा हो गया है, अब पेरेंट्स इजी हैं उस बच्चे को स्कूल भेजने के लिए, उसकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई है, तो ये हमारा एंड हो जाता है। यहाँ पे हम कहेंगे कि स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट का काम कंप्लीट हो गया, कम्युनिकेशन उसने अपनी स्टार्ट कर दी। राइट राइट हम इस सेशन को अपने यहाँ पे वाइंड अप करेंगे, और हम एक दफा फिर आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने इन क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए टाइम निकाला, और हम ऑडियंस को भी ये कह सकते हैं कि आप के जहन में अगर कोई स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो आप जरूर हम तक पहुंचाइए। हम कोशिश करेंगे कि ऐसा सेशन बाद में भी रख सकें, कुछ क्वेश्चंस जो और एड ऑन होते हैं हम उनको एड्रेस करने के लिए भी वो सेशन रख सकते हैं। जाने से पहले मैं सदर से ये पूछना चाहूंगा कि अगर कोई मैसेज आप पेरेंट्स को देना चाहें तो वो दे दीजिए, फिर हम इसको वाइंड अप कर देते जी, मैं पेरेंट्स को एक मैसेज ये देना चाहूंगी कि आप अपने बच्चे के साथ सिंसियर होएं और जगह जगह जाके थेरेपीज को नहीं चेक करें, थेरेपी सेंटर्स को, कि थोड़े दिन आपने कहीं किया, फिर थोड़े दिन आपने कहीं किया, फिर थोड़े दिन कहीं किया, आप पहले खुद सर्च करें, रिलैक्स होएं, बच्चे को वहां पे थेरेपीज स्टार्ट कराएं और टाइम दें एक इदारे को। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा, जहां काम हो रहा है वहां काम हो रहा है, आपको आउटकम्स पता चल रहे होते हैं, तो आप बच्चे के ऊपर जब काम हो रहा है और आपको जिस तरह से थेरेपिस्ट गाइड कर रहा है कि आपको अब किस तरीके से आगे काम करना है, खुद भी घर में आपको होम प्लान्स भी दिए जा रहे होते हैं पेरेंट्स को, तो वो घर में खुद भी करें, फॉलोअप्स करें और ऑफ ना करें, जब थेरेपीज स्टार्ट कर दें तो ब्रेक नहीं करें बीच में से, अपनी जिंदगी के जो भी आपके डेली बेसिस के प्रोग्राम्स होते हैं, या पेरेंट्स एज अ पेरेंट कहीं ना कहीं स्टक होते हैं, कोई ना कोई पेरेंट्स, तो वो कोशिश करें कि उनको साइड करें और बच्चे की थेरेपीज पे फोकस करें,
ताकि वो एक अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन करने के माशरे में लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकें और वो हर चीज अचीव कर सकें जो उनको उनके लिए है, उनको जरूरत है। क्योंकि अगर बच्चा बोल नहीं सक रहा ना, तो सबसे बड़ी तकलीफ ही यही है एक पेरेंट के लिए कि बच्चा बोल नहीं रहा। और अगर वो बिल्कुल बोल नहीं रहा है तो पेरेंट्स को यही प्रॉब्लम है कि बच्चा कब बोलेगा। तो जब वो कनेक्ट हो जाए तो वो लाजमी उसी चीजों को फॉलो करें जो उनका थेरेपिस्ट या जो इंस्टीट्यूट उनको गाइड कर रहा है, और रेगुलरली थेरेपीज करें और तहमुल से करें। इश्यूज रिजॉल्व होते हैं, रिजल्ट्स आते हैं, आहिस्ता आते हैं लेकिन आते हैं रिजल्ट्स। तो ये मेरा पैगाम है पेरेंट्स को कि पेशेंटली वर्क करें स्पीच के ऊपर। थैंक यू। खैर दोनों बातें आपने बहुत अच्छी कहीं कि एक तो टाइम दें किसी भी प्रोफेशनल को या सेंटर को, क्योंकि ऑब्वियसली वो रेपो बिल्ड करने में भी टाइम लगता है बच्चे के साथ, और फिर ही असल काम हो सकता है। एंड कंसिस्टेंसी दोनों ही बहुत जरूरी हैं, और इन्हीं अच्छे से मैसेज के साथ या एट द एंड ऑफ आवर सेशन जी, मैं आप सबका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो इस सेशन को देख रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ या एक नए गेस्ट के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।